तो टॉपिक है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, और एक्चुअल में टॉपिक का नाम है नॉर्मल शिफ्ट। अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्या है, रियल डेप्थ क्या है और एपरेंट डेप्थ क्या है, इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए पहला पॉइंट ये है कि आप इमेजिन करें कि वाटर है, एक पूल है, वाटर है, और ये इमेजिन करें कि ये एक पानी के अंदर नीचे एक कॉइन पड़ा हुआ है। कॉइन एक्चुअल में मान लो 10 मीटर नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये मीडियम क्या है, ये मीडियम वाटर है, और ये क्या है, एयर है, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है। तो मेरे को कॉइन पानी में 10 मीटर नीचे नज़र नहीं आएगा, मुझे कहाँ नज़र आएगा, ऊपर नज़र आएगा। आप किसी भी स्विमिंग पूल के अंदर देख लें, आपको लगता है कि ये फर्श तो कुछ भी नहीं है, फ्लोर तो यहीं पर है, चाहे वो 12 फीट नीचे होगा, जब जंप करते हैं तब पता लगता है कि पैर भी नहीं लग रहे नीचे। क्यों? क्योंकि जो डेप्थ है वो एक्चुअल में आप भाप नहीं पाते बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉइन का भी नहीं देख पा रहे 10 मीटर, तो आपको हो सकता है कॉइन यहाँ पे नजर आए, थोड़ा ऊपर नजर आए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या दिखाई देगी आपको, उसकी इमेज दिखाई देगी। और मान लो आपकी इमेज कितने मीटर पे दिखाई दे रही है, 8 मीटर पे। तो इस पूरे टॉपिक में 10 मीटर को बोलते हैं रियल डेप्थ, 10 मीटर मींस रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ रियल डेप्थ है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रही है, 8 मीटर, तो कौन सी डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ या वर्चुअल डेप्थ, एक ही बात है। तो रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और ये कॉइन कितने मीटर ऊपर नजर आ रहा है मुझे, 10 में से 8 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, राइट। तो नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, तो ये कॉइन मुझे परपेंडिकुलर ऊपर नजर आ रहा है, और कितने मीटर, 2 मीटर, इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आप टॉपिक का नाम आप समझ गए होंगे कि रियल और एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है यहां तक? तो इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करना है आपको, इसके एक्सपेरिमेंट में ऐसा करना है कि मान लो आपके पास ये एक कॉइन है, तो ये कॉइन वाटर में या किसी डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये कॉइन मान लो इसकी रियल डेप्थ है, पर आपको ये कॉइन ऊपर नजर आएगा। कोई कहता है कि ऊपर कैसे नजर आएगा, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें। तो रूल नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट लेना है, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही हैं, हर तरफ निकल रही हैं। आप ये ना सोचें कि इधर 2 रेज ही निकलती हैं, इनफाइनाइट रेज हैं और हर तरफ निकलती हैं। मैं सिर्फ वो रेज लेता हूँ जो मेरी आंखों में जा रही हैं, और उसमें भी इनफाइनाइट रेज हैं, पर मैं तो 2 ही रेज लेता हूँ ताकि इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बने, सिंपल डायग्राम बन जाए। तो मैंने कोई भी 2 रेज ले ली, एक रे तो सीधी गई, इमेजिन कर लो जो सीधी गई वो तो नॉर्मल के साथ गई, इसकी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन जो रे टेढ़ी गई, ये नॉर्मल है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, और रिफ्रैक्शन का एंगल क्या है, आर। डायग्राम क्लियर है? तो जो देखने वाला है वो चीज को कैसे देखेगा, अब उसकी आंखों में 2 रेज जा रही हैं, उसको तो नहीं पता वो बेंड होके आई हैं या रिफ्रैक्ट होके आई हैं, तो वो क्या करेगा, इनको डायरेक्ट ज्वाइन करके देखेगा। तो जब इन दोनों रेज को डायरेक्ट ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन कहां कर रहा है वो, आई पे। तो उसको वो कॉइन कहां पे नजर आएगा, आई पे। तो वो कॉइन की क्या नजर आ रही है, इमेज, वर्चुअल इमेज बोल सकते हैं, ठीक है यहां तक? तो ये 2 एक्चुअल रेज हैं, देखने वाला हमेशा रेज को कैसे करता है, मिला के देखता है। तो जब मिला के देखेगा तो रेज यहां मिल रही है उसके हिसाब से, तो उसको कॉइन यहां नजर आएगा। तो एक्चुअल डेप्थ रियल डेप्थ है AO, एपरेंट डेप्थ है AI, और कितना ऊपर, OI, OA, OI का मतलब है नॉर्मल शिफ्ट, और ये मुझे निकालना है। तो इसके अंदर और भी डायग्राम है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इसमें कॉपी किया हूँ इंटरनेट से, क्योंकि स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर आप इस कॉइन को देख कैसे रहे हो। मैं कह रहा था मैं ऐसे देख रहा हूँ ऊपर से, तो एक रे सीधी जा रही है और एक रे मेरी राइट और लेफ्ट आई पे जा रही है। पर वो कहता है जी मैं तो ऐसे देखता ही नहीं, मतलब मैं पहले पूल के ऊपर जाऊँगा, कॉइन के ऊपर जाऊँगा, फिर क्यों देखूँ, मैं तो ऐसे देखूँगा, कॉइन वहाँ पड़ा है, अब मुझे कैसे नजर आएगा। तो देखो ऐसे नजर आएगा, ये रहा कॉइन और ये रहा कहीं ऑब्जर्वर, तो रेज सीधी जा रही हैं, पर मैं सीधी रेज ड्रॉ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मेरी आंखों में आई नहीं रही, तो मेरी आंखों में नहीं आ रही तो मैं ड्रॉ क्यों करूँ,
रेस तो बहुत सारी हैं, तो मैंने वो दो रेस पकड़ ली जो मेरे ऑब्जर्वर तक आ रही हैं। तो ऑब्जर्वर तक ये रेस आई, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ऑब्जर्वर को तो पता नहीं ना, वो तो इनको यहीं ज्वाइन करेगा, तो उसको कॉइन कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, आपको ड्रॉ नहीं करना, जस्ट एक समझना है कि किस तरीके से कॉइन्स ऊपर नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ये देख लें, ये आपका कॉइन, कोई अगर टॉप से देख रहा है, ये देखो आई भी बना रखी है, आंख बना रखी है, तो ये रहा एक्चुअल कॉइन, रेज निकली, सीधी नहीं गई ना, बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब आप इन्हें मिलाएंगे तो आपको यहाँ कहीं दिखेगी, तो देखो ये यहाँ पे बेंडिंग थोड़ी कम दिखाई है, पर थोड़ी ज़्यादा बेंडिंग दिखानी चाहिए, ऐसे डायग्राम बनेगा। तो मिलाएगा आई, कॉइन ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे देख लें सेम, ये रहा कॉइन, ये री रे, ये तो डायग्राम अभी मैंने बनाया भी है सेम डायग्राम। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये कॉइन ऊपर क्यों नजर आता है, और किसी भी एंगल से देख लो उसको ऐसा ही नजर आएगा। तो इसके लिए अब मैथमेटिकल पोर्शन इसका क्या है, तो ये डायग्राम मैंने बता दिया, इस डायग्राम में ये अगर आर है और इसको अगर मैं ज्वाइन कर लूँ, अगर ये आर है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आर है, और ऐसी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ऑल्टरनेट एंगल से एंगल आई है। तो आई और आर क्लियर है फिगर में, एक एंगल आई हो गया, एक एंगल आर हो गया, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, इसके अंदर हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन, और कुछ नहीं हो रहा। और रिफ्रैक्शन के अंदर क्या लगता है, स्नेल्स लॉ। तो अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो इमेजिन करो ये जो मीडियम है ये क्या है, वाटर, और ये क्या है मीडियम, एयर। स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आई, म्यू एयर इंटू साइन ऑफ आर, सिंपल है। तो आपने ये स्नेल्स लॉ लगा दिया, ये रहा म्यू वाटर साइन आई, म्यू एयर साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया म्यू वाटर बाय म्यू एयर, साइन आर बाय साइन आई, और इसको रीअरेंज किया, वाटर ऊपर है तो नीचे आ गया, एयर नीचे है तो एयर ऊपर आ गया। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप साइन आर और साइन आई की वैल्यू को देखें, तो ट्राइंगल में देख लें, साइन आई की वैल्यू क्या बनेगी इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी। साइन आई, साइन आर क्या बनेगा, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, साइन आर क्या बनेगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी आई। साइन आई क्या बनेगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी ओ, बना लेंगे साइन आर साइन आई, साइन आई आ गया, साइन आर आ गया, जो स्नेल्स लॉ था यहाँ पे साइन आर की जगह ए बी बाय आई बी, साइन आई की जगह ए बी बाय ओ बी, ए बी से ए बी कैंसिल, ये टर्म आ गई। तो ए बी से ए बी कैंसिल करके ये टर्म आ गई। नेक्स्ट है, अब ऑप्टिक्स के अंदर एक अजम्पशन है, ये हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं, कि जो ऑप्टिक्स है उसमें एंगल्स बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंगल्स बहुत बड़े बड़े हैं और मेरी लेफ्ट और राइट आई भी बहुत दूर नहीं है, मतलब यहाँ आनी है, बहुत क्लोज है, तो एंगल्स बहुत छोटे बनने वाले हैं। तो मैं एक अजम्पशन लूँगा इसमें कि ये जो डिस्टेंस है ओ बी, ओ बी, क्योंकि कॉइन बहुत नीचे है, कॉइन नीचे है, मेरी आँखों के बीच में डिस्टेंस उतना बड़ा नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस छोटा है और कॉइन का डिस्टेंस बड़ा है। तो ओ बी और ओ ए अप्रॉक्सीमेटली सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। देखो मैथ्स ट्राइंगल से तो नहीं कह सकता, मैथ्स तो गलत है, पर बात वही है कि अगर मैं ये बोलूं कि सामने कॉइन पड़ा है 10 मीटर दूर पड़ा है, मेरी लेफ्ट आई से दूरी कितनी है, आप लोगे 10 मीटर, मेरी राइट आई से दूरी कितनी है, आप लोगे 10 मीटर, लेकिन एक्चुअल ट्राइंगल बनेगा तो 10 मीटर नहीं होगी। बट मैं इतनी माइन्यूट डिटेल में जा नहीं सकता कि वो इस एलिमेंट को भी कंसिडर किया जाए, तो हम ऑब्जर्वर की एक ही आँख बना लेते हैं, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, इक्वल टू बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये डायग्राम जरूर बड़े बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम बहुत छोटे और पतले बनने वाले हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ओ बी और ओ ए को क्या ले लेना है, अप्रॉक्सीमेटली सेम। उसी तरीके से आई बी और आई ए को भी अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लेना है, सेम। मतलब कहने का मतलब ये अपर्चर बहुत छोटा है, बी इज वेरी मच क्लोजर टू ए, बस सिंपल ये बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब जहाँ पर भी आपको ओ बी दिख रहा है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली कहा, वहाँ ओ ए पुट कर लो, जहाँ आई बी दिख रहा है वहाँ आई ए पुट कर लो, बी की जगह ए पुट कर लो अप्रॉक्सीमेटली, क्लियर है। अब इस डायग्राम में ओ ए का मतलब क्या है, ओ ए, ओ ए का मतलब है रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, ओ ए का मतलब रियल डेप्थ है। और इसी डायग्राम में आई ए का मतलब क्या है, एपरेंट
तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। तो ये फॉर्मूले को प्लीज हाईलाइट कर लो और किसी फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा। दैट इज म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्लीज बॉक्स में नोट कर लें। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो कि इमेजिन करो आपके पास एक सरफेस है ये री, और ये वाटर की सरफेस है, ये आपका एक कॉइन है। इस कॉइन की जो डेप्थ है, रियल डेप्थ की वैल्यू इसमें 10 मीटर है। म्यू वाटर मैंने आपको दे दिया, सपोज 3/2 है। कॉइन आपको कहाँ नज़र आएगा? यहाँ नज़र आएगा। और ये डेप्थ कितनी है? एपरेंट डेप्थ है। फाइंड एपरेंट डेप्थ, तो क्या करेंगे? म्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। इसकी वैल्यू 3/2 गिवन है, रियल डेप्थ 10 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एपरेंट डेप्थ की वैल्यू आएगी। तो न्यूमेरिकल्स में कैसे करना है सॉल्व समझ में आ रहा है? म्यू का फॉर्मूला रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है। अब इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया? म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ आ गया फॉर्मूला। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को इसमें निकालना है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस देख रहे हो, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट, जो कि क्या होगी? ये टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो नॉर्मल शिफ्ट जो है, नॉर्मल शिफ्ट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ में से क्या माइनस किया जाएगा? एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस करके क्या जाएगी? नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है यहां तक? मैं यही करने वाला हूं और यही मुझे निकालना है। लिख दिया मैंने अपर्चर ऑफ आई स्मॉल, तो मैंने निगलेक्ट करके एंगल्स छोटे करते हुए ए को बी के को क्लोज मानते हुए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल ऑन एपरेंट डेप्थ कर लिया। अब एक काम कर लो, आप इस फिगर के अंदर, इसे मेंशन नहीं है, पता नहीं मेंशन है आपके में, मुझे शायद डाउट है, इसको डी लिख लो। ये डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इस डिस्टेंस को डी लिख लो, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट का सिंबल क्या लेंगे? डी। सारी बुक्स डी लेती हैं तो मैंने भी डी ले लिया। ठीक है, और ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है जिसको रियल डेप्थ बोलते हैं, रियल डेप्थ को काफी बुक्स टी लिखती हैं, टी। रियल डेप्थ इज टी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? जो डी है वो कैसे निकलेगा? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ऐसे ही बताया। मेरे क्वेश्चन में चेक करो, रियल डेप्थ कितनी है? ओ ए। ये देखो, रियल डेप्थ कितनी है? ओ ए। मेरे इस क्वेश्चन में एपरेंट डेप्थ कितनी है? ए आई। तो रियल डेप्थ है ओ ए, एपरेंट डेप्थ है ए आई। समझ में आ रहा है? रियल डेप्थ ओ ए, एपरेंट डेप्थ ए आई। लिख दिया। अब एक काम करो, यहां से ओ ए कॉमन निकाल लो। जब कॉमन निकलेगा तो फर्स्ट टर्म वन हो गई, सेकेंड टर्म क्या बनी? ए आई डिवाइडेड बाई ओ ए। अगर आप ऊपर देखें, म्यू ओ ए रियल डेप्थ, ए आई एपरेंट डेप्थ का सिंबल क्या है? म्यू। लेकिन यहां पर क्या यूज कर रहा हूं? रेसिप्रोकल। मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं? ए आई डिवाइडेड बाई ओ ए। तो उल्टा कर लो ना, यहां से रेसिप्रोकल लेंगे, ए आई डिवाइडेड बाई ओ ए, इसकी जगह क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल। ये रहा, इसको उठा के यहां पुट कर लेते हैं, तो मेरा आंसर आएगा ओ ए रियल डेप्थ है। और रियल डेप्थ को मैंने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया था? टी के साथ, डायग्राम में बताया था, यहां मेंशन कर लेना। रियल डेप्थ को मैंने, इसमें गलत सिंबल है, आप टी लिख लो। रियल डेप्थ को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया, तो टी इंटू वन माइनस म्यू। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई डी की, जो मैंने अगले पेज पे की हुई है। आप ए आई को नीचे ले आओ, ओ ए बाय ए आई की रेशियो कितनी है? म्यू। इस फॉर्मूले को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कि जो नॉर्मल शिफ्ट है स्मॉल डी, वो किसके इक्वल है? टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू के इक्वल है। टी का मतलब रियल डेप्थ है, लिख लो। वेट, अच्छा, टी का मतलब रियल डेप्थ है। तो मैंने आपको भी बताया, ये डिस्टेंस टी है, ये डिस्टेंस टी मार्क कर लेना, क्योंकि सारी बुक्स में टी रिप्रेजेंट है, कईयों में वाई और एक्स भी होता है, तो यहाँ पर टी के साथ ही काम करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर मान लो क्वेश्चन आएगा कि कॉइन कितना ऊपर नजर आ रहा है, उसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, डी डिस्टेंस ऊपर नजर आ रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? टी एक्चुअल डेप्थ,
इंटू वन माइनस वन बाय न्यू वाटर, जो भी होगा इसको प्लीज नोट कर लें, आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे।